हेलो एवरीवन, हम लोग अभी शिखर फॉल देहरादून में है। आप ऊपर देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा झरना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए। आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं। पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग जब नहाने आते हैं, जब प्रकृति का आनंद लेने आते हैं, तो ये क्या करते हैं आप लोग? ये बोतल, ये बियर, यार ये प्रकृति आपसे नहीं मांगती है, आप क्यों यहाँ पे डाल के जा रहे हैं? आप अगर लाए हैं तो कम से कम इसको अपने साथ तो ले जाए। कितना ग्राम वजन है यार? 100 ग्राम का फोन आप रख लेते हैं, 10 ग्राम का बोतल अपने साथ नहीं लेके जाते हो, यहाँ पे डंप कर देते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप आओ ही मत जब आप इतने केयरलेस और इतने इनडिसिप्लिन इंसान है, तो आप आइए मत पहाड़ों में। क्या कहें आप लोगों को यार, इतने घटिया और इतने बेहुदा किस्म के इंसान है आप। यहाँ पे आके बियर पी रहे हैं, बियर के केन छोड़ के जा रहे हैं, प्लास्टिक छोड़ के जा रहे हैं। मतलब ये कचरा डंप करने का जगह नहीं है यार। अगर यही गंदा हो जाएगा तो फिर आ नहीं पाओगे आप। आप थोड़ा सा सेंस तो लगाइए कि आप किस बिना पे कचरा फेंक के जा रहे हैं यहाँ पे। ये कचरा फेंकने की जगह है यार? आदमी है, पैजामा है, पता नहीं। इतने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं कि पहाड़ों में कचरा ना डाले, फिर भी आके कचरा। देखिए आप, बियर की बॉटल्स देखिए कितनी सारी है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यार, यहाँ पे आ रहे हो, ये पहाड़ है, कचरे का घर नहीं। यहाँ पे आपके प्लास्टिक की बॉटल, बियर की बॉटल छोड़ के जा रहे हो। पहाड़ों का आनंद लेने आते हैं या पहाड़ों को गंदा करने आते हैं आप लोग? अगर गंदा करना है तो मत आइए पहाड़ों में, और इस तरीके का कचरा मत फैलाइए। पूरे पूरे शिखर फॉल में कचरा फैला हुआ है, भरा पड़ा है। कैसे आप मानिए 2-4 साल के बाद अगर कचरे का ढेर बन गया तो यहाँ भी नहीं आएंगे, फिर दूसरी जगहों को गंदा करने जाएंगे आप लोग।